हाय, दिस इज प्रज्ञा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और प्रैक्टिकल एग्जाम में हम N1R5 को पढ़ रहे थे। M1R5 में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, जिसकी प्रैक्टिकल में आने की संभावना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट अ टेबल इन वर्ड एज शोन बिलो द फॉलोइंग फील्ड। आपको जो वर्ड है उसमें इस तरीके की एक टेबल बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके की टेबल हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और हम सॉल्यूशन के लिए हमेशा की तरह एक नेक्स्ट मींस एक न्यू पेज ले लेते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन करते चलेंगे। ओके, सो फाइल ऑप्शन पे गए, न्यू पे गए, देन न्यू ले ली फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल बनाने की कोशिश करनी है हमको, ठीक है। अब टेबल में सबसे पहले एक बार वो देख लो अच्छे से, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है। तो रोल नंबर है, नेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स और ये ऊपर मार्क्स का ऑप्शन है, ठीक है। अब हम इस टेबल को किस तरीके से बनाते हैं जरा देखिए। यहाँ पे चलते हैं और टेबल लेते हैं, टेबल कहाँ से लेते हैं, हम इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है, तो हमारे जो कॉलम थे वो कितने थे, वो 5 थे। रोल नंबर, नेम, देन मार्क्स के थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स के थे और एक था टोटल, ठीक है। मीन्स इस तरीके से 5 कॉलम थे और उसमें करीबन मेरे ख्याल से 7 रो थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 रो का एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। आप जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा गया है ना, उससे अकॉर्डिंग सॉल्व करके आना, ठीक है। मुझे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिक समझानी है, ठीक है, इसलिए मैं ले सकती हूँ कोई दूसरा डेटा भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग कौन सी थी आपकी, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे रोल नंबर, देन यहाँ पे था आपका नेम, नेम, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, आपके मार्क्स है, तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देती हूँ। अब देखिए मार्क्स थे, ये मार्क्स का जो कॉलम है, मार्क्स का जो कॉलम है, इसमें देखिए नीचे फिजिक्स और केमिस्ट्री इस तरीके से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कॉलम बनाती हूँ, मार्क्स वाला नहीं बनाऊंगी। कारण मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी बताने बैठी ना तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा फिजिक्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और ये है मेरा और टोटल मार्क्स का कॉलम, ओके, ये हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे रोल नंबर 1, ठीक है, और रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अब क्या क्या डाटा है, तो इस तरीके से मैं एक एक बच्चे का डाटा लूंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं अपने मन से यहाँ पे किसी भी बच्चे का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। आप लेकिन प्रॉपरली नाम लिख कर आना जो आपसे परीक्षा में पूछा है। मैं तो इसलिए ताकि काम फटाफट हो जाए, ये दो नाम तो मुझे याद रह गए थे, वो सबसे ऊपर लिखे थे रितु और अमित, धन नाम इनकी जोड़ देती हूँ, पता नहीं उसमें है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए हैं, तो अपने मन से कोई से मार्क्स लिख देती हूँ मैं अभी तो यहाँ पे, ठीक है। आपको जो एग्जाम में आए वही मार्क्स लिखना है, और यहाँ पे मैं अपने मन से मार्क्स लिख देती हूँ, 60 कर दिए, इतना 40 ज़्यादा हो रहे ना, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ मार्क्स, 70 कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्क्स हैं, नहीं फेल हो जाएगी बेचारी, इसको मैं यहाँ पे 65 मार्क्स देती हूँ और केमिस्ट्री में मार्क्स के 75 कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक आंकड़ा बना दिया। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, टोटल करना है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें रह गई, जो क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल भी था और यहाँ पे एक मार्क्स नाम का ऑप्शन भी था। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि आपको इस तरीके से टेबल बनानी है, तब तो आप बड़ी आसानी से टेबल बना देना, टोटल मार्क्स है, इसके साथ में वैल्यूज भी यहाँ पर लिख देना, 166 वही सब। पर मैं अभी मार्क्स क्यों नहीं लिख रही हूँ टोटल, अब इसका कारण जानती हूँ, मैंने यहाँ पर जो है मार्क्स क्यों नहीं लिखा। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ आए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ आए। पहला क्वेश्चन जिसमें बोला इस तरीके की तुम टेबल बना दो, ठीक है, बहुत सरल है, टेबल आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन इसके आधार पे दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, देखते क्या है, वो क्या कह रहा है, इन द डू द फॉलोइंग, आपको और वर्क करना है, क्या क्या वर्क करना है, इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेट यूजिंग फॉर्मूला, इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री। अब इसने यहाँ पे अगर आप पहले तो बोल दिया कि तुम भाई पूरी टेबल बना दो, अब फिर बोला
कि यहाँ पे जो मार्क्स की तुम एंट्री करोगे ना, 166 आ रहा है, 182 आ रहा है, जो भी यहाँ पे टोटल आ रहा है, ये टोटल तुमको खुद से नहीं लिखना है, ये टोटल तुम्हें वर्ड से लिखवाना है। यानी तुम यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उस फॉर्मूले के द्वारा वर्ड आपको यहाँ पे टोटल नंबर लिख कर देगा, ये यहाँ पर ये कह रहा है। यही कारण है कि मैंने क्या है, क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला कॉलम खाली छोड़ दिया। तो अब यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि इस तरीके की टेबल बनाओ, तब आप ये फिल कर लेना, टोटल मार्क्स क्या दिक्कत है, टाइप भी तो करना है। लेकिन अगर इसके साथ दूसरा क्वेश्चन जुड़ा आता है जो उस पर बेस्ड है, तब आप डायरेक्ट फिर मार्क्स कैसे लिख पाओगे, राइट ना। तो उस कंडीशन में आप दो काम कर सकते हो, एक तो आप एज इट इज टेबल बना दो और फिर आंसर नंबर टू करके सेम टेबल बनाओ और टोटल नंबर वाला मार्क्स खाली छोड़ देना, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, सिंपल है ना। ओके, अब जो इसने सबसे पहले कहा है कि टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको क्या करवाना है, एंट्री करवाना है वर्ड के द्वारा, यानी वर्ड खुद कैलकुलेट करके देगा आपको मार्क्स। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देखते हैं। फॉर्मूला के लिए ये जो टोटल मार्क्स वाला कॉलम है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या कर दो, क्लिक कर दो। देखो टेबल से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको जो टेबल है ना, यहाँ पे इसी टेबल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपने माउस को क्लिक जरूर करना होगा। यदि आप टेबल के बाहर कहीं भी जाके माउस को क्लिक कर देते हो ना, तो टेबल से रिलेटेड जो टैब है ना, देखो यहाँ दिख रहे थे टैब, वो हट जाते हैं। अब देखो दोबारा से दिखा देती हूँ, ये मैंने देखो कर्सर ले गई और टेबल में जाके मैंने क्लिक कर दिया, तो जैसे ही क्लिक करा तो देखिए टेबल डिजाइन और लेआउट ये ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है। तो आपको यदि इससे रिलेटेड टैब चाहिए तो आपको सिलेक्ट मतलब टेबल के अंदर कहीं ना कहीं आपका कर्सर होना चाहिए क्लिक किया हुआ, तभी ये ऑप्शंस खुलते हैं, अदरवाइज ये टैब के ऑप्शंस नहीं खुलेंगे। ओके, अब जब भी आपको जब भी आपको फॉर्मूले वाली बात आए, तो आपको चलना है यहाँ पे टेबल के लेआउट ऑप्शन में। टेबल के लेआउट ऑप्शन में जब जाते हो तो बिल्कुल राइट हैंड साइड डेटा नाम का एक ग्रुप मिलता है, जिसमें आपको मिलता है फॉर्मूला। फॉर्मूले पे जस्ट क्लिक कर दो, इस तरीके की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है इक्वल सम और क्या लिखा है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है ना उसको सम कर दो, उसको तुम जोड़ दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन के द्वारा इस फॉर्मूले के द्वारा जुड़ जाएगी। मैं देखिए यहाँ पे जस्ट ओके कर रही हूँ, तो देखिए 40+50 टोटल मार्क्स 90 आ चुके हैं, रितु नाम की लड़की है। अब सेम हमको यहाँ पे भी ये काम करना है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए और अब चले जाइए फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जब मैं फर्स्ट रो में थी तब यहाँ पे ऑटोमेटिक यानी बाय डिफॉल्ट सम ब्रैकेट में लेफ्ट लिखा रहा था, जैसे सेकंड लाइन पे आती हूँ या उससे आगे बढ़ती हूँ तो अब ये मुझे सम के ब्रैकेट में अबव लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अबव को हटाना है। अबव कब आएगा, जब संख्याएं ऊपर दी हो, जैसे लाइन बाय एक सिक्वेंस वर्टिकल लाइन में संख्या दी हो और जस्ट नीचे की तरफ आपको कैलकुलेट करना हो, तब तो अबव वर्क करेगा। और अभी हमें कैलकुलेट कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वर्क क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट। तो ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है लेफ्ट और ब्रैकेट्स को बंद कर देना है और ओके कर दीजिए, हो गया कैलकुलेशन, 130 आ गया। सेम यहाँ पे अप्लाई करिए, क्लिक करिए, फॉर्मूला पे जाइए, देखिए अब फिर से अबव लिखा हुआ आ रहा है, तो आप यहाँ पे फिर से लिख दीजिए लेफ्ट और यहाँ पे कर दीजिए ओके। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर टू का जो सबसे पहला पार्ट था, ए पार्ट था, उसने कहा कि भाई टोटल मार्क्स लिख दो तुम कॉलम में, है ना, एंट्रीज के द्वारा फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट करके, तो हमने ये काम कर दिया। बी ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। अब आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करना है, यानी जिसके सबसे कम नंबर है वो सबसे पहले, फिर ज्यादा नंबर वाला बाद में, फिर सबसे ज्यादा वाला बाद में। अब यहाँ पे देखें तो टेबल हमारी ऑलरेडी ही सॉर्ट हो रही है, पहले सॉर्ट हो रही है, हमने मार्क्स इतने बढ़िया अरेंज करे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे काम कर सकते हैं, मार्क्स थोड़े से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम मार्क्स कर देते हैं किस्मत वाली लड़की है, इसके मार्क्स यहाँ पे बढ़ा दिए हमने, 79 कर दिए, ठीक है, यहाँ 79 कर दिए। तो इस केस में यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला पे जाओ और ये और इक्वल कर दो, तो इसके 129 हो गए,
अभी से अभी सॉर्टिंग है क्योंकि 129, 130, 140 सॉर्टिंग ऑलरेडी है। तो यहाँ पे चलिए 55 कर देते हैं इसके मार्क्स। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला पे चले और लेफ्ट ही सम इक्वल्स टू लेफ्ट 130। अब ठीक है एवरेज, ठीक है 134 है, 130 है, 140 है, ये कुछ भी अरेंज नहीं है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में ना असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें टेबल को थोड़ा समझने में सरलता होगी। अब कह रहा है वो कि आप क्या करते हो उसको सॉर्ट कर दो, यानी या तो जो सबसे छोटा नंबर इसके कम नंबर है उसको सबसे पहले कर दो, बाद में बड़े बड़े नंबर वालों को कर दो, या फिर जो जिसका नंबर सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले कर दो और फिर उससे रिलेटेड उससे छोटे छोटे नंबर अरेंज कर दो, यानी सॉर्टिंग कर दो। चलिए तो अब हम सॉर्टिंग अप्लाई यहाँ पर करते हैं। बहुत सरल है, टेबल पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब लेआउट के ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे देखिए डेटा पैराग्राफ के अंदर आपको सॉर्ट मिलता है, तो सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको कौन सी वाली कॉलम को सॉर्ट करना है, तो हमें जो सॉर्टिंग अप्लाई करनी है वो किस पे करना है, टोटल मार्क्स वाले कॉलम पे। तो कौन सा ये कौन से नंबर का कॉलम है, ये मेरा पांचवें नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ओके। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। यदि आप चाहते हो कि छोटा नंबर सबसे पहले फिर धीरे धीरे बड़ा जो है बाद में आता चला जाए तो असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। ओके करके देखिए ये 130, 134, 140 आ चुका है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि जो वैल्यूज है ना वो नीचे की तरफ चली गई, तो आप इसके लिए काम करो। मैंने तो यहाँ पे 3 ही एंट्री करी है, आपको जितनी हो ना उतनी, मतलब जितनी क्वेश्चन में पूछी जाए पेपर में पूछी जाए उतनी पूरी एंट्री करनी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, उसका ऑप्शन ही हटा देती हूँ, वो नीचे शिफ्ट हो रहा था ना वो ऑप्शन ही हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब दोबारा से टेबल पे सिलेक्ट करते हैं, लेआउट पे चलते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम दोबारा से सॉर्टिंग, और यहाँ पे करते हैं हम कॉलम नंबर 5 नाउ, और कर देते हैं इसको ओके। ओके 130, 134, 140 देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया सॉर्ट, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर दोबारा से करके देखते हैं, शॉर्ट पे गए, डिसेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, हेडर रो और नो हेडर रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना हेडर रो और फिर उसको ओके कर देना। अगर आप हेडर रो को सिलेक्ट नहीं करते तब क्या होता, देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या होता। नो हेडर रो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ओके कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट करो कॉलम नंबर 5 और यहाँ पे कर दो ओके। जब आपने हेडर रो सिलेक्ट नहीं किया ना, नो हेडर रो, तो देखिए ये आपके रोल नंबर और नेम क्या है नीचे की तरफ आ गए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। जब भी इस तरीके का काम करो तो आप हेडर रो को सिलेक्ट कर देना और ओके कर देना, है ना। तो ये गड़बड़ हो रही है तो हम इसको अंडू करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर की सॉर्टिंग अप्लाई कर देते हैं, सॉर्ट पे गए, डिसेंडिंग है, हेडर रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। ये आपके दो काम हो गए। अब और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइन, यानी आपको डेट और हेडिंग भी यहाँ पे लिखनी है जो कि सेंटर में रहेगी, ओके। तो यहाँ पे हम डेट एंड हेडिंग लिख देते हैं, टेबल को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम डेट हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या है, सपोज हेडिंग हमने लिख दी यहाँ पे मार्कशीट, और डेट दे दी सपोज हमने आज की तारीख दे दी 20, और यहाँ पे दे दिया 9, और यहाँ पे दे दिया 21, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हेडिंग है वो कैसे होनी चाहिए, सेंटर अलाइन। तो यहाँ पे जस्ट आप मार्कशीट के जो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लिक करिए, पैराग्राफ ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए सेंटर अलाइन का ऑप्शन है, तो या तो आप यहाँ पे क्लिक करिए या फिर सिंपल अपने कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल ई को प्रेस कर दीजिए, तब भी ये डेटा आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा, ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, ये कह रहा है हेडिंग, जो ये डी ऑप्शन कह रहा है, हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन, जो हेडिंग आपने लिखी है ये बोल्ड होनी चाहिए और अंडरलाइंड भी होनी चाहिए। तो आप इसको यहां से सिलेक्ट करके बोल्ड कर दो और फिर यू से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अगर आप यहां से नहीं करना चाहते डायरेक्ट तो शॉर्टकट की ध्यान रखिए, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, ओके। सो ये शॉर्ट हो चुकी है।
ठीक है, जो जो उसने कहा था वो काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा टेबल अरेंजमेंट की तरफ चलना है। तो टेबल में अब हमको ये चीज सेट करनी है, मार्क्स, देन नेक्स्ट लाइन में फिजिक्स और कॉलम, जो कि इस तरीके से दो भागों में बटे हुए हैं। कोशिश करते हैं इस वर्क करने की। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है यहाँ पे जस्ट क्लिक करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और चले जाइए इंसर्ट पे, और इंसर्ट मुझे क्या करना है, रो और कहाँ, अबव, यानी इसके ऊपर। तो मैंने लिख दिया रो, नहीं सॉरी, हाँ मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स उसके ऊपर आएंगे ना, रो अबव। अब आप क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए मार्क्स, ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे लिख दीजिए मार्क्स। लेकिन वहां पे क्या है, ये जो दो कॉलम है ना, ये क्या है, दो भागों में बटे हुए नहीं है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन है ना कि मार्क्स ये एक ही लाइन में और ये दोनों आगे बटे हुए, तो हम क्या करें, मार्क्स जो है ना इसको क्या कर दो, मर्ज कर दो, मर्ज सेल, बन गए वैसे कॉलम, बन गया वैसा के वैसा सेटिंग, मार्क्स आगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये रोल नंबर नेम ये अटपटे से लग रहे हैं, तुम क्या करो इसको भी मर्ज कर दो, प्रत्येक कॉलम को इस तरीके से मर्ज कर दो। सिंपल बन गई वैसे टेबल, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैडम ये मर्ज आपने बाद में क्यों करा है, पहले क्यों नहीं करवाया जब आपने टेबल बनवाई थी। देखिए क्या होता है कि जब आप मर्ज कर देते हो ना, तो उस कंडीशन में मर्ज हो जाने के बाद, टेबल जब आपकी मर्ज हो गई, तो फिर उस कंडीशन में जो हमने सॉर्टिंग अप्लाई की थी ना, ये सॉर्टिंग अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सॉर्टिंग अप्लाई करने में फिर क्या करती है, दिक्कत करती है। इसलिए जब भी मर्ज वाली बात आए कि भाई टेबल मर्ज करना है या कुछ भी करना है, तो हमेशा पहले कैलकुलेशन पूरा कर देना और उसके बाद फिर टेबल को जाके मर्ज करना। अब जैसे मैं सॉर्ट पे अप्लाई करती हूँ, तो देखिए क्या आ रहा है, कुड नॉट सॉर्ट ए टेबल कंटेनिंग मर्ज सेल, क्योंकि इसमें मर्ज सेल है तो सॉर्ट नहीं हो पाएगी, है ना। अब इसमें एक काम और रहेगा, अब लास्ट ये जो जितनी भी हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग्स, इनको क्या करना है, बोल्ड कर दो, ठीक है। ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए सिंपल है, होम टैब पे जाओ और बी प्रेस कर दो, बोल्ड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको इस तरीके से टेबल बनानी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।